गुड मॉर्निंग। फिलहाल रात को मैं आ गया था इस मंदिर में और जा रहा हूँ फिर से ये चेकिंग करूँगा कर अभी के लिए। और मैं यहाँ पे था, कितना प्यारा जगह है ना। ये मेरा काउस था एक्चुअली ये जो ये है उन्होंने दिया है, ये उन्होंने दिया था मुझे सोने के लिए। मेरा काउस बेड था, अभी शांत जगह है ये पता लॉन्ग। तो शाम को मैं चेकिंग कर रहा था, फिर वो आंटी आई मुझे पैसे देने लगी, तो फिर उन्होंने ही बताया कि यहाँ पे रात को लिफ्ट मांगना सही नहीं है, ख़तरनाक है। तो मैंने कहा ठीक है यार, फिर तो मैं चेकिंग नहीं करूँगा। फिर मैं आके यहाँ पे सो गया। सुबह के अब 9 बज रहे हैं, जाता हूँ कुछ खा लेता हूँ पहले, फिर से रोड पे। आशा करता हूँ कि आज शाम तक कराबी पहुँच जाऊँगा। मुझे कराबी में कोई काउ सर्फिंग होस्ट अभी तक तो नहीं मिले हैं, बट एक खुशखबरी मुझे मिली है। अभी फ़िलहाल चल रहा है दुर्गा पूजा, दशहरा और गोआबीबो ने मेरे दो आईडी हैं, दो नंबर हैं, दो आईडी हैं मेरे, दोनों नंबर पे 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर दिया है। तो यार मेरा 4 दिनों का एकोमोडेशन हो गया अब तो 4 दिनों का मैं जा रहा हूँ। आज हॉस्टल बुक कर लूँगा कराबी में, अब 2 दिनों तक कराबी में रहना है हॉस्टल में, उसके बाद जाना है साथ फुकेट। कोई प्लान नहीं आगे का प्लान आपको आगे अपडेट करता हूँ। मैं भाई साहब जा रहा था और ये आंटी आई मेरे लिए ये ब्रेकफास्ट लेके काफ़ी कुछ है खाने के लिए यार, रास्ते के लिए भी उन्होंने दे दिया। In Malaysia. Malaysia luku. Luku. Long Kong. Long Kong. Thailand Long Kong. Long Kong. Okay. Malaysia luku. Luku. Okay. Thank you. Thanks a lot. Khopun ka. Khopun ka. Teacher. I'm a teacher. Teacher. English teacher. Yeah. English teacher. Where? Bachelor school. Oh. Hatalung. Yeah. Okay. Yes. Good morning. मैं जाने वाला था ना, वो आंटी आई और मेरे लिए सारा खाना पीना ब्रेकफास्ट। यार इतने खाना है यार, ब्रेकफास्ट का मेरा लंच भी हो जाएगा। ये है डुकू, इसे कुछ अलग कहते हैं यहाँ थाईलैंड में, बट इसे मलेशिया में डुकू कहते थे। भाई साहब दिन की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई, 10 मिनट खड़ा होगा। अगर अभी तक के लिए लिफ्ट तो नहीं मिली है, लेकिन आधा रास्ते के लिए लिफ्ट मिल गई है बतालूम के लिए। और ये मेरे साथ 3-4 चाकर और हैं, सब जा रहे हैं तड़ंग तड़ंग। यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है और यहाँ से कर अभी 200 किलोमीटर दूर है। काफ़ी ग्रीन है, अभी हम लोग आधा रास्ता पहुंच चुके हैं। आगे लंबी ट्रैफिक लगी हुई है और जो नज़ारा है भाई साहब। रास्ता आ गया, आधा रास्ता और बचा हुआ है। कभी करा भैया,
Why you? Why you stay here? Huh? Why you? Do you not go to the heart station? Heart station? Yeah. Bus station. No, no bus station. By lift. Oh, by hitchhiking. Yes. You are going there? Yeah, I can take you to the bus station. Bus station. Yeah, it's bus station have a van and minibus. Is there any petrol gas station nearby? Yeah. Petrol station? Yeah. Can you drop me at petrol station? Yeah. Okay, thank you. चलो यार पेट्रोल स्टेशन तक पहुंच जाता हूं आप फिर वहां से फिर आसान होगा आगे. भाई साहब कराबे के रास्ते में हूँ और एक पुलिस स्टेशन पे हूँ मैं और ये भैया जो है मेरे लिए गाड़ी को रोक के पूछ रहे हैं कि कराबे जाओगे क्या. अरे यार वाओ मुझे ना रसिया वाली फीलिंग आ रही है. रसिया में कुछ कुछ ऐसा ही हुआ था मेरे साथ. और ये भाई साहब देखो प्रत्येक गाड़ी को रोक के पूछ रहे हैं कि कराबे जाओगे क्या. कराबी हाँ थैंक यू. दुकू नेम 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 लुकू दुकू 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 मलेशिया मलेशिया दुकू. भाई साहब मुझे देखो दुकू फिर से मिला तो पहले खा लेता हूँ फिर से ही चेकिंग करता हूँ. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. फिलहाल मैं हूँ अपने हॉस्टल में कराबी में. कल जब पुलिस वाले ने मुझे एक बस पे बैठा दिया और मैं बस से कराबी आया और कराबी आने के बाद मुझे गुआईबी वाले ने एक डिस्काउंट दिया हुआ था. एक्चुअली 500 रुपीज़ का उन्होंने कूपन दिया हुआ था जे गो कैश. तो मैंने उसे यूज़ करके अपने एक हॉस्टल बुक कर लिया और ये हॉस्टल मुझे एक्चुअली फ्री पड़ा. हाँ नॉट फ्री बिकॉज मुझे जो टैक्सेस होते वो पे करने पड़े वो 62 रुपीज़ 62 रुपये में मैंने ये हॉस्टल बुक किया था और ये मेरा खत्म वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल रहा है मेरे एक्सपीरियंस में. अच्छा खासा हॉस्टल है. स्टाफ बहुत फ्रेंडली हैं और मैंने अपना बैग पैक कर लिया है. एक्चुअली मैं कल जा रहा हूँ फीफी. ये मेरा बेड था और ये हॉस्टल है. ये मेरा रूम है एक्चुअली ना. और सबसे बड़ी बात इस रूम में कल कोई नहीं आया. मैं अकेले सोया हुआ था. इस रूम में कल कोई नहीं आया और मैं अकेले था. एक्चुअली मैं यहाँ पर आया. ये एक मंदिर है और मैंने आया कि उनसे पूछा कि क्या मैं यहाँ पर रात को रुक सकता हूँ क्योंकि मैंने हॉस्टल खाली कर दिया. और खाली तो नहीं किया पूरी तरह से. मेरा सामान वहीं पड़ा हुआ है और मैंने कहा कि चलो रात को सोने का कहीं पहले इंतजाम कर लेता हूँ फिर चल निकलूँगा घूमने के लिए कराबी को. और जब मैं मंदिर आया ना तो उनसे पूछा क्या मैं मंदिर में रुक सकता हूँ. चलो वहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन सेंटर था मंदिर के पास. तो उन्होंने एक मैम आई उन्होंने फिर जाकर किसी मॉन्क से कुछ बात की कुछ की. उसके बाद काफ़ी बात करने के बाद मेरा पासपोर्ट लिया गया. पासपोर्ट की जेरोक्स मैंने उन्होंने दे दी. जिस तरह होटल में चेक इन होता है सेम तरीका रहा. और उसके बाद उन्होंने मुझे ये रूम दे दिया. आपको दिखाता हूँ ये मेरा रूम है. बिल्कुल साधारण सा रूम है यार. रूम में कुछ नहीं है. ये मेरा स्लीपिंग बैग है और ये दोनों रात को मुझे सोने के काम आएगा. अब रूम मिल गया तो क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की. ये मेरा सामान है. मैं अपना स्लीपिंग बैग यहीं रख देता हूँ. मैं अपना फ़ोन चार्ज कर रहा हूँ. चार्जिंग पॉइंट भी है और ये मेरा पर्सनल रूम है. गुड मॉर्निंग. सुबह हो गई है. सवेरे के 8 बज रहे हैं यार. यहाँ लोग जल्दी सो के उठ जाते हैं. मैं रात को जल्दी सो गया था तो इसमें जल्दी उठा. मैं यहीं पे सोया हुआ था. ये मेरा रूम है और मैं जैसे सवेरे उठा मुझे ये मिला खाने के लिए. शायद दाल है या पता नहीं क्या है. मुझे लग रहा है कटहल है. शायद कटहल ही यार. कटहल है वाओ. मतलब मैंने बहुत दिन से कटहल नहीं खाया था. भिंडी है पता नहीं. हाँ भिंडी है पता नहीं. हाँ भिंडी है. चावल मटर. और सुबह सुबह मतलब जैसे ही उठा मुझे कॉफ़ी मिल गई थी. बताओ यार ऐसा मतलब हॉस्पिटैलिटी मंदिर में भी मिल रही है. ये था मेरा मंदिर और मैं जा रहा हूँ अब अपने पुराने वाले हॉस्टल जहाँ मैं एक दिन ठहरा था. वहाँ से मैंने बात करके फेरी बुक की है
यहाँ से लगा मुझे 400 baht 400 baht यहाँ से मेरे फीपी के लिए और फीपी से फुकट के लिए 400 baht तो कुल मिला के 800 baht लग गया यार। शाम को फुकेट निकल रहा हूँ यहाँ पे, अभी फीफी में हूँ, फीफी आइसलैंड में। तो शाम के जो 3 बजे वाली जो 3 बजे एक हैरी जाती है फुकेट के लिए, मैं वहाँ चला जाऊँगा। और मुझे फुकेट में मेरे काउच सर्फिंग को होस्ट मिल गए हैं। मैं जब मैं यहाँ आया तो मेरा सामान था, मैं सोचा कहाँ रखूँ। तो कई शॉपों में ट्राई किया और वो पैसे मांग रहे थे। फिर मैं गया पुलिस स्टेशन, मैंने कहा कि मैं अपना सामान रख सकता हूँ, तो उन्होंने अलाउ कर दिया। अब उससे सेफ जगह कुछ हो ही नहीं सकती है, और पुलिस स्टेशन है तो ये 24 आवर खुला रहेगा। तो फिलहाल मैंने अपना सामान पैक कर दिया है, थोड़ा सा सामान लेके जा रहा हूँ। यहीं पे एक मंकी बीच है, थोड़ा एक्सप्लोर करूँगा इस एरिया को, फिर शाम को निकल जाऊँगा। Bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.